बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में। अब एंटी डेरिवेटिव्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? सपोज करें हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक है स्मॉल एफ ऑफ एक्स और दूसरा एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और ये दोनों फंक्शन क्या हैं? डिफरेंशियल फंक्शन हैं। क्या हैं? डिफरेंशियल फंक्शन। अब ये डिफरेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं? वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। अब एक कंडीशन हम यहाँ पे रख रहे हैं, सपोज करें इफ डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वो इक्वल है स्मॉल एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव और इंटेग्रल, इसको हम इंटेग्रल भी कहते हैं, ऑफ फंक्शन फंक्शन एफ ऑफ एक्स मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस डिफरेंशियल फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अगर एक फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स से सपोज करें, उसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के मिल रहा है, मतलब ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है या इसका क्या है, इंटेग्रल है, ठीक है। हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और इंटेग्रल भी कहते हैं। उसके बाद हम फर्दर इसको डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं इसको, अगर कहते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, क्या अगर हम इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। और अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू किसके है, एक्स के, जैसे हम डेरिवेटिव्स में करते थे कि किसी ना किसी रेस्पेक्ट किसी ना किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे, यहाँ भी इंटेग्रल किसका फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट निकालते हैं। अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगेन, अब नीचे लिख रहे हैं साइन ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। अब यहाँ पे जो ये चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, अब इनको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये जो आपको साइन नजर आ रही है, इस साइन को हम कहते हैं इंटेग्रल साइन। क्या कहते हैं? साइन ऑफ इंटेग्रल, ठीक है, इंटेग्रल साइन। और ये जो फंक्शन है जिसका हम इंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेंट, ओके। उसके बाद ये जो सी नजर आ रही है आपको, ये सी एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो डेरिवेटिव्स में हमने नहीं देखा था, एंटी डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाजूकात जो फर्स्ट एप्लीकेशन है एंटी डेरिवेटिव्स की, वो इस वजह से है कि एंटी डेरिवेटिव्स हम इस वजह से भी फाइंड करते हैं कि किसी फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन हम फाइंड करने के लिए उसको एंटी डेरिवेटिव उसका फाइंड किया जाता है। अब सपोज करें हमारे पास जो फंक्शन हैं, सपोज करें कुछ बेसिक रूल हैं, अब कोई कॉन्स्टेंट है, अब रूल नंबर वन, अगर कोई कॉन्स्टेंट है कि उसका हम क्या कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा k तो सेम रहेगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के एक्स, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी होगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टेंट होगा वो बाहर हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगर हमारे पास दूसरा जो रूल है, अगर हमारे पास कोई जीरो है, अगर जीरो डी एक्स है, ओके, अगर जीरो है तो जीरो का क्या होता है, जीरो का तो जीरो हो जाएगा प्लस सी, मतलब ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उसके बाद हम तीसरा जो है पढ़ रहे हैं रूल, वो ये है अगर यहाँ पे वन है, अगर यहाँ पे वन है और डी एक्स है तो वन बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या कि इसका सिंपली एक्स प्लस सी होगा आंसर, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जो रूल है, हम फोर्थ रूल पढ़ रहे हैं, फोर्थ रूल ये है
कि अगर हम कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ, ओके, अब उसका इंटीग्रल कैसे फाइंड होगा, के बाहर आ जाएगा और सिंपली उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, उसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसके बाद प्लस सी साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम इसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवा रूल जो होता है, पांचवा रूल ये है, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन x है और उसका पावर n है और उसका इंटीग्रेशन, मतलब ये है कि x का पावर n प्लस 1 करेंगे, जो पावर होगा जो n प्लस 1 है वो डिनोमिनेटर में भी रखेंगे और उसके बाद प्लस c दे देंगे। उसके बाद सिक्स्थ रूल होता है, सिक्स्थ रूल को हम पढ़ने जा रहे हैं। सिक्स्थ रूल होता है कुछ इस तरीके से कि अगर 1 अपॉन x डिनोमिनेटर में x है, ओके, 1 अपॉन x का एंटी डेरिवेटिव होता है ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c मतलब साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हम आ रहे हैं एक और रूल पर, अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शन है, सपोज करें f 1 ऑफ x है, ओके, उसके बाद एड है f 2 ऑफ x और आगे चलते जा रहे हैं f n ऑफ x तक, ठीक है। अब उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो अगर इंटीग्रेशन उसका फाइंड करेंगे तो हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन जुदा जुदा होगा, हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम जुदा जुदा फाइंड कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n तक मतलब अप टू f ऑफ x f n ऑफ x dx, तो ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये कुछ रूल्स पड़े। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अब इन रूल्स के मुताबिक हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज करें हमारे पास सिंपली एक क्वेश्चन है, ओके, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x³, ओके, ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स की जगह पर वो क्या है 3x³ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपके पास जो 3x³ है, ओके, ये dx ऐसे रहेगा फर्स्ट स्टेप में। अब ये 3 यहाँ पे क्या है, 3 इसका कांस्टेंट है, ओके, तो हमने रूल में बताया था 3 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन किसका फाइंड होगा, x³ का। हमें पता है कि जो x पावर n होता है उसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सॉरी इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो ये हो जाए x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा x पावर 4 मतलब n प्लस 1, तो नीचे भी 4 प्लस c। c देना कभी भी आप नहीं भूले, क्योंकि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और ये देना लाजमी होता है। अब ये c का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड इंटीग्रेशन x पावर 5 प्लस 2, ओके, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दो टर्म्स हैं, इसे समझे, यहाँ पे जो है एक x पावर 5 है और दूसरा क्या है 2 है, तो इस पे भी रूल हमने पढ़ा, तो ये क्या कैसे होगा, ये इंटीग्रेशन x पावर 5 प्लस 2 dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x पावर 5 पे अलग अप्लाई होगा और उसके बाद 2 पे अलग अप्लाई होगा सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x पावर 5 का अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे x पावर 5 का, तो ये हो जाएगा x पावर 5 प्लस 1, ओके, अपॉन 5 प्लस 1 और उसके बाद 2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन सिंपली इसका फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना लाजमी है। अब क्या होगा, x पावर 6 अपॉन 6 प्लस 2 और यहाँ पे अंदर ऐसे समझे 2 1 है, तो ये 2x हो जाएगा प्लस c, ये आपका जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक और हमारे पास फंक्शन है, सपोज करें क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इंटीग्रेशन फाइंड करना है और ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है x प्लस 1 और उसके साथ मल्टीप्लाई है x प्लस 3, ठीक है, dx। अब इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे अब देखते हैं। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास गिवन है x प्लस 1
और यहाँ पे है x प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x प्लस वन और x प्लस थ्री को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री से, ठीक है। उसके बाद प्लस वन को भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री से, ठीक है। और ये सब चीजों का क्या करना है, हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। सिंपली हम इसको अगर सिंपली बनाएं, अभी फर्दर सॉल्व करें, सिंपलीफाई बनाए करें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स प्लस वन इंटू एक्स एक्स प्लस थ्री इंटू वन थ्री, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अगेन हम इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स हो जाएगा प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर हम इसको अगेन देखें तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि हर एक टर्म दूसरे से डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रल और फोर बाहर आएगा और उसके बाद एक्स का इंटीग्रल प्लस थ्री बाहर आएगा और डी एक्स, ठीक है। थ्री के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस फोर। अब एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने पहले पढ़े थे। और उसके बाद थ्री यहाँ पे वन है तो वन का क्या होगा इंटीग्रल एक्स होगा। उसके बाद क्या देना है कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे जो इंटीग्रेटिव से रिलेटेड होंगे और नए रूल्स पढ़ेंगे और न्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।